पूर्वी दिल्ली में सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आईपीएल की तर्ज पर आयोजित पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग का शानदार आगाज किया, जहां समारोह में पूर्वी दिल्ली की सभी 10 विधानसभा की टीम मौजूद रही और लीग के आयोजन में पहुंचे सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि ये खिलाड़ी का सपना है और इस लीग में कई ऐसे खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए ना पैसा था ना ही पर्याप्त सुविधा थी, लेकिन अब इस लीग के माध्यम से हर खिलाड़ी अपने टैलेंट को निखारेगा। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग ऐसे खिलाड़ियों को उभारेगी। जब मैंने शुरुआत करी थी तो ऐसा कुछ मंच हमारे को मिलता, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे मंच मिलते नहीं थे। और मैंने आपसे पहले भी बात करी थी जब हमने लॉन्च की थी ट्रॉफी, कि ये ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग उन बच्चों के लिए जिनके पास इतने भी साधन नहीं है कि वो किसी एकेडमी में जा सकते हैं या फिर वो सफ़ेद कपड़े खरीद सके या जूते खरीद सके। अगर आप इधर बच्चों को देखेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई पेपर बेचता है, ये जिनके घर में माता पिता नहीं है, तो उन खिलाड़ियों के लिए, उन बच्चों के लिए मंच तैयार किया गया है कि वो यहाँ पर खेल के जब निकलें तो एक बेहतर इंसान बन के निकले। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।